गाइस इस वीडियो में बात करूंगा कैसे आप विंडोज को ऑफलाइन स्कैन कर सकते हो और आपका जो कार्डन थेड है वो परमानेंटली कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सभी का स्वागत है और एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप स्टार्ट मेनू में क्लिक करेंगे, सेटिंग में क्लिक करेंगे, साइड में देखेंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में क्लिक करेंगे, ऊपर में देखेंगे विंडो सिक्योरिटी में क्लिक करेंगे तो आपका विंडो सिक्योरिटी ओपन हो जाएगा। ऊपर में देखेंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपका जो विंडोज डिफेंडर है ओपन हो जाएगा। और नीचे में देखेंगे स्कैन ऑप्शन, स्कैन ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका बहुत ऑप्शन दिख जाएगा, जैसा क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन एंड आपको नीचे में दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑफलाइन स्कैन, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। और आप नीचे में देखेंगे स्कैन नाउ, स्कैन नाउ में क्लिक करेंगे और आप स्कैन में क्लिक करेंगे तो आपका स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप एक परमिशन मांगेगी, सिंपली इसको यस कर लेना। यस करने के बाद आपको जो स्कैन वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा एंड रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो ऑफलाइन स्कैन वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन स्कैन 100% कंप्लीट होने के बाद आपका जो स्कैन वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो वायरस है वो वायरस पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद भी आपका वायरस रह जाता था आपके कंप्यूटर में तो आप वायरस को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वीडियो देख लेना। वो वीडियो देखने के बाद आपका जो वायरस वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा अपने कंप्यूटर लैपटॉप में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस तरह से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।